अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनाइटेड टीवी नेटवर्क से मैं हूं आपका मेज़बान अमर मंसूर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर निमृता कत्ल केस के हवाले से। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिंध के अदीब दानिश्वर समाजी रहनुमा खलील चांडियो साहब। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि 16 सितंबर के दिन चांडिका मेडिकल हॉस्टल की कॉलेज में डॉक्टर निमृता का वाक्य हुआ था, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए अमर मंसूर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस यूनाइटेड टीवी का, कि जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं डॉक्टर नम्रता कत्ल केस के मुतल्लिक अपने ख्यालों का इजहार कर सकूं। सबसे पहले गुजारिश अर्ज ये है कि ये वाकया आसफा मेडिकल डेंटल कॉलेज में हुआ था। डॉक्टर नम्रता एक बहुत हंसमुख और होनहार किस्म की शागिर्द थी, जो आखिरी साल की शागिर्द तलबा थी। न सिर्फ वो आखिरी साल की तलबा थी, बल्कि उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, उसकी जो आप तस्वीरें देखेंगे, उसकी जो समाजी सरगर्मियाँ थी, अगर वो आप देखेंगे तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये बच्ची किसी भी तरह ख़ुदकशी का सोच भी नहीं सकती। न सिर्फ ये, वो चांडका मेडिकल कॉलेज में गरीब तलबा के लिए यूनिफॉर्म, उनके लिए किताबें, उनकी मदद करना, उनकी फिनंशियल सपोर्ट करना, उनको अपने पाँव पे खड़ा करना और उनके लिए बहुत कुछ वो समाजी सरगर्मियां करते हुए हमें नज़र आती थी। लेकिन आप हैरत की बात यह है कि एन जो है 12 बजे के टाइम पे वो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक मामूली सी एक खुशी मिली है उसे, जिस पे वो पूरे कॉलेज में मिठाइयाँ बांट रही है और एन एक घंटे के बाद, डेढ़ घंटे के बाद उसकी लाश मिलती है उसके कमरे से। मकसद, एक घंटा पहले जो लड़की, जो एक डॉक्टर थी, जो एक मुस्तकबल का मेमार थी, वो मिठाइयाँ बांट रही है, अपनी खुशियाँ लोगों के साथ शेयर कर रही है, लेकिन एन एक डेढ़ घंटे के बाद उसकी लाश मिलती है। आखिर वो कौन से हालात थे, वो क्या हालात थे जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, तो ये सोचने की बात है। आप देखें, इसमें अगर हम आते हैं, सबसे पहले ये 16 सितंबर का वाक़ा हुआ है, तो 16 अक्टूबर का वाक़ा हुआ है। 16 तारीख के वाक़े के बाद आज 2.5-3 महीने होने को हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कोई एक भी ऐसी चीज़, ऐसी शहादत सामने नहीं आई जिसके बदौलत हम कह सकें कि ये केस सॉल्व होने जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये न सिर्फ जो है इंतज़ामिया की नाल ही हमें जो है नज़र आ रही, आप देखें इस केस के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा, यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस केस के मुतलक बात की गई, पूरी सिंध सरापा एहतजाज हुई, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी अदीब दानिश्वर, शायर, मुफक्किर, खिलाड़ी, रांदीगर, हत्ता के वज़ीर आज़म तक इस मामले पे अफसोस का इजहार किया गया। लेकिन हमें अफसोस होता है, वो ये होता है कि जो इस वक्त सिंध की हुकूमत है, यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से, न तो ऊपर की लेवल से बिलावल भुट्टो जरदारी से लेके मुकामी क़यादत तक किसी ने भी इस मामले पर कोई राय नहीं दी, कोई आवाज़ नहीं उठाई, न उनके वर्षा के पास वो गए, न उनके साथ अपना दुख शेयर किया, न अपनी कंडोलेंसेस शेयर की। ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है, जो हम समझ रहे हैं कि मौजूदा जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसर इकदार, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को मुसलसल बरसर इकदार लाते हैं, लेकिन उस सिंध की बच्चियों के साथ जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हो और इनकी खामोशी बहुत कुछ हमें बता रही है, इंतज़ामिया की तरफ से नाली हमें बहुत कुछ बता रही है, जुडिशल कमीशन की जो टाइम फ्रेम दिया गया था 1 महीने का, लेकिन उसी को भी एक्सटेंड कर दिया गया। मकसद ये कि हम ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत, इंक्लूडिंग जो उसकी लोकल जो मुकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये चाहती है कि इस केस को किसी भी तरह से लय मिट किया जाए और इस केस को क्लोज किया जाए। सर, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी जाहिर किया गया है कि ये कत्ल किया गया है, उस हवाले से अब क्या किया जाएगा, उस पर कोई इनिशिएटिव लिया गया है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो मैं गुजारिश आपसे अर्ज करना चाहूँगा वो ये है कि देखें, सबसे पहले जो इंतज़ामिया की नाली थी वो क्राइम सीन को तब्दील करना था।
मकसद ये कि जब जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ है तो इस इंसिडेंट के 1 किलोमीटर के फासले पे एसएसपी लाड़काना की ऑफिस है, लेकिन वो 2 घंटे तक इस कत्ल जाए वारदात तक नहीं पुलिस नहीं पहुंचती और 2 घंटे तक वो क्राइम सीन बिल्कुल ओपन खुला रखा गया। कोई भी वहाँ पे चपड़ासी आ जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड आ जा रहे हैं, वहाँ के माली आ जा रहे हैं, कोई भी इनको रोकने वाला नहीं था कि भाई कोई क्राइम सीन को तब्दील उसकी उसमें आप ये देखें, सबसे पहले वहाँ पे क्राइम सीन को तब्दील करने की ये चीज़ की गई कि वहाँ पे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की एक टेबलेट की डब्बिया रखी गई। जब तहकीकात से ये बात सामने आई, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट की सामने आई, तो उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट ने ये यकसर मुस्तरद कर दिया कि किसी भी तरह से किसी भी स्टेज पे डॉक्टर नम्रता कुमारी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन नहीं लेती थी। जब नहीं लेती थी तो वो मेडिसिन वहाँ पे क्या कर रही थी? इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने जानबूझकर इस क्राइम सीन को चेंज करने की बात की। इसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर नम्रता को ये उठा के लेके गए हैं, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल करीबी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाने के बाद उसको कार्डियोवेस्कुलर में लेके गए। आप ये अंदाज़ा करें कि जब आप कह रहे हैं, जब आप अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि इस बच्ची ने खुदकशी की है, तो भाई खुदकशी के पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में लिया जाता है, ये आप उसको कार्डियोवैस्कुलर में, तो ये ऐसी चीजें, ये ऐसी कड़ियां हैं जो इस क्राइम सीन को तब्दील करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी साजिश हमें वाजे तौर पे नजर आ रही थी। पहले ही दिन से ये साजिश नजर आ रही थी कि इस केस को लैमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया, पुलिस, मौजूदा मकामी क़यादत, पीपल्स पार्टी इंक्लूडिंग जो है सिंध हुकूमत, ये इस केस को लैमिट करने के लिए अपनी काविशें, अपनी कोशिशें उनकी वो इसमें शामिल थी। तो हम ये समझते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, अभी भी आप देखें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाजे तौर पे डॉक्टर साहबा, डॉक्टर अमरता साहबा ने ये लिखा है कि इस बच्ची के साथ सबसे पहले वो रेप किया गया और वो रेप के जो जुज़े थे, वो जो जुज़ियात थे, वो उनके कपड़ों से, उसके जिस्म से बरामद हुए। एक बच्ची का जब रेप हुआ है, रेप होने के बाद इस केस को छुपाने के लिए, इस पूरी कहानी को ख़त्म करने के लिए उसका गला दबा के इसको मारा गया है और ऊपर से ये ड्रामा कर दिया गया कि इसने ख़ुदकशी की है। और ख़ुदकशी करने वाली बच्ची जो 15 फिट उसकी छत ऊपर थी हॉस्टल रूम की, सबसे पहला सवाल ये था कि एक बच्ची जो अकेली कमरे में मौजूद थी, वो उस पंखे तक, 15 फुट के पंखे तक पहुँची कैसे, किस तरह अपने आप को बांधा, किस तरह जो है वो उसने ख़ुदकशी की होगी, और उसी तरह से फिर खुदकशी करने के बाद उस वो मरी हुई बच्ची अपना जो है पंखे से अपना दुपट्टा खोलती है और वो नीचे आके आराम से बेड पे सो जाती है कि मैंने खुदकशी कर ली। आप देखें कि ये जिसने भी ये प्लान किया था, अल्लाह की ज़ात जो है वो बड़ी बेनियाज होती है कि उनको वो किस तरह बेनकाब कर रही है कि वो जिस तरह, मकसद ये कि एक बच्ची आई, उन्होंने खुदकशी कर ली और आराम से आके बेड पर सो गई। आप देखें कि ये इस तरह की साजिशें जो है वो डे फर्स्ट से बेनकाब हो रही थी, लेकिन एसएसपी साहब, पुलिस वाले, यूनिवर्सिटी जबर पहले दिन से इस बात पे बज़ब थे कि इन्होंने ये खुदकशी की है। और सिंध के अदीब, दानश्वर, शायर, जितने भी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे पहले ही दिन से इस बात पे वो अपना एहतजाज बुलंद कर रहे हैं कि यह खुदकशी नहीं, ये एक कत्ल का वाक़िया है जो आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। सर, मैं ये बात भी क्लियर करते जाऊँ कि आज तक उनके वर्सा के हवाले से भी कोई केस वगैरह दाखिल नहीं किया गया, इसकी क्या वजह है? आप देखें, हम जिस मुल्क के भासी हैं, इस मुल्क के अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा हाई प्रोफाइल केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ, मुर्तज़ा भुट्टो जैसा हाई प्रोफाइल केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ, बेनज़ीर शहीद जैसा केस आज तक जो है सॉल्व नहीं हुआ। वहाँ पे एक गरीब कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर इंतहा पसंदी का उरूज है, जहाँ पर इन गरीब कम्युनिटी वाले गैर
غیر مذہب غیر مسلم لوگوں کو جینے کا حق بھی نہیں ہوتا، وہاں بھی یہ اگر جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کسی کو نامینیٹ کر لیں کہ بھئی اس نے قتل کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی جرأت کسی ہندو کمیونٹی میں ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ ہماری بچی تو گئی، ہماری بچی کو تو مار دیا گیا، ابھی ہم نہیں چاہتے کہ اس دشمنی کے تناظر میں ہمارے کسی بیٹے کا نقصان ہو جائے، ہمارے کسی بیٹے کو قتل کر دیا جائے، کسی اور کو مار دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خاموش ہو کے بیٹھ چکے ہیں۔ پر کیا سر، سندھ کی سول سوسائٹی اور سندھ کی کمپر سے جماعتیں جو سیکولر مسلم تحریکیں چلا رہی ہیں، کیا وہ نمرتا کے وارثوں کو یہ یقین دلانے نہیں دلا سکتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مل کر اس کیس کی پیروی کریں؟ آپ دیکھیں کہ شہید بے نظیر بھٹو کے قتل کے پیچھے کتنے لوگ اٹھے تھے، کتنے مظاہر ہوئے تھے، کتنے احتجاج ہوئے تھے، کتنی دنیا کے اندر سے پورا وائس ریز ہوا تھا، اس کیس کا کیا ہوا؟ جب انتظامیہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ کیس ڈسکور ہو اور اس کیس کے تفصیلات پبلکلی عوام کے سامنے آئے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی قوم پرست تنظیموں، سندھ کی سول سوسائٹی کے اندر اتنی کوئی طاقت ہے کہ وہ اس کیس کو جو ہے وہ بزور شمشیر یا بزور احتجاج اس کو جو ہے وہ نمودار کر پائیں اور اس کی تفتیش جو ہے مجبور کرے حکومت کو کہ وہ اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے لایا جائے، میں نہیں سمجھتا ہوں۔ اور ویسے بھی سندھ کی قوم پرست تنظیم کی آپ نے جب بات کی ہے، تو سندھ کی قوم پرست تنظیم بیچاروں کا کوئی حال نہیں ہے، وہ ایک حد تک جو ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے آگے ان کا کوئی بھی جو ہے مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا، ماں سوائے اس کے کہ اگر وہ ان فیوچر کوئی اپنے آپ میں کوئی بڑے ماہر العقل قسم کی جو ہے تبدیلیاں لائے، اپنے آپ کو جو ہے اوور ہالنگ کی طرف لے کے جائیں، تب تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی قوم پرست تنظیمیں یا سندھ کی سول سوسائٹی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس طرح کے معاملات، اس طرح کے مارکات حل کر پائیں گے۔ کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے بینظیر اور نمرتا کو انصاف نہیں ملا تو کل کسی اور کو بھی انصاف نہیں ملے گا؟ میں یہی جی جی یہ بھی کہتے جاؤں کہ کیا ہمارے پاس ایسی کوئی تنظیمیں، کوئی سوسائٹی نمائندے نہیں ہیں جن کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ یا کل یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت ایک اکیڈمک آپ نے سوال اٹھایا ہے، اور یہ ایک نہ صرف یہ سوال جو ہے پوری سندھ کی سول سوسائٹی، سندھ کی سیاسی سماجی تنظیموں کے اوپر سوال ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں حکومتیں تو ہوتی ہیں، حکومتیں حکومت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ سال میں پانچ سال کے بعد ووٹ لینے کے لیے آتی ہیں، پھر اپنی حکومتیں بناتے ہیں اور پانچ سال تک وہ عوام کے پاس واپس جانے کے لیے، عوام کے پاس مڑ کر دیکھنے کے لیے وہ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ یہاں کا دستور رہا ہے۔ لیکن بعد میں جو بقیہ تنظیمیں ہوتی ہیں، سیاسی سماجی تنظیمیں ہوتی ہیں، جو حزب اختلاف کی تنظیم پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ عوام کے مسائل کو جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے لاتی ہیں۔ آپ دیکھیں سندھ اسمبلی میں بھی نمرتا کے خلاف احتجاج ہوا، اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا، اور سول سوسائٹی سراپا احتجاج تھی، یونائٹڈ نیشنز کے آگے، یہاں تک کہ امریکی کانگریس میں یہ کیس تک رکھا گیا، اور دنیا کے کئی ممالک کے سامنے اس بچی کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ احتجاج ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے تین تلوار پہ بہت سارے ہزاروں کے تعداد میں لوگ جو ہے سول سوسائٹی کے عورتیں مرد بچے وہ احتجاج کر رہے تھے، لیکن احتجاج کی بنیادوں پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائی گئی، جوڈیشل کمیشن نے اپنا کام ابھی پورا کر کے رپورٹ دینا ہی تھی، تو اس کی مینڈیٹ کو چرایا گیا، اس کے مینڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا حکومت سندھ کی طرف سے، ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک سمپل آرڈر نکالا گیا کہ بھائی آپ کی جو ہے مینڈیٹ کو ہم ایک مہینے کے لیے اور بڑھا رہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیلے ٹیکٹس ہیں، یہ سارا کچھ ڈاکٹر نمرتا کماری کے قتل کیس کو، اس سازش کو دفن کرنے کی ایک تیاری ہے جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ سر میرا ایک سوال یہ بھی ہے آپ سے، ڈاکٹر نمرتا کیس کے حوالے سے دو اسٹوڈنٹ علی شان ابڑو اور ڈاکٹر نہران ابڑو، ان لوگوں کو بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے اور آج تک وہ پولیس کی گرفت میں ہے۔ ان کے ورثہ کا کہنا ہے کہ بلا وجہ ہمارے بچوں کو پولیس نے اندر کیا ہوا ہے، تو اس سوال سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑا جائے، اگر وہ کسی کرائم میں ملوث ہیں تو انہیں سزا دی جائے؟ دیکھیے
جو بھی دنیا کے اندر تہذیب یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ جتنا بھی وہاں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ جو بھی کام کرتی ہیں ایک قانون کے دائرے میں کرتی ہیں وہ اخلاقیات کے دائرے میں کرتی ہے لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نہ تو کوئی قانون کی بالادستی ہے نہ کوئی انتظامیہ کی کوئی بالادستی ہے نہ کوئی جو انصاف کی کوئی نمو ہمیں نظر آ رہی ہے شان مہران ابرو اور شان میمن کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بھائی جب آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے تو ان کو آفیشلی قانونی طور پہ ان کی گرفتاری دکھائی جائے اگر آپ گرفتاری دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہو اور آپ اس قابل نہیں ہو آپ کی انتظامیہ آپ کی مینجمنٹ آپ کا پورا پولیس سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ ان کی گرفتاری کو آپ قانونی طور پہ دکھا سکیں تو پھر ان بے گناہوں کو وہ بے گناہ ہیں پھر ان کو آپ رہا کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے توسط سے آپ کو کوئی انفارمیشن مل رہی ہے تو وہ جو بھی انفارمیشن اس وقت تک آپ کو ملی ہے وہ آپ کو پبلکلی آپ کو اوپن رکھنی چاہیے کہ بھائی یہ ہمیں معلومات ملی ہے اور ان معلومات کے بنیاد کے اوپر آپ ان پہ قانون کا کوئی قلم لگا کے ان کو اریسٹ کر لیں باضابطہ ان کو تحویل میں لے لیں بلا تحویل کے بغیر کسی تھانے میں رکھنے پہ اپنی جائیداد میں اپنے کسی خفیہ مکانوں پہ مقام پہ رکھنے سے یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ آپ وہی پہلے دن والی بات کہ آپ اس کیس کو ایک غلط رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ٹوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈے فرسٹ یہ انتظامیہ کر رہی ہے اور آج تک کر رہی ہے اور آج تک یہ دونوں بچے جو ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مہران جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ مہران ابڑو کے ڈاکٹر نمرتا کماری کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ شادی کرنا چاہتے تھے تو شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے شادی ہر انسان کا اپنا ایک انفرادی عمل ہوتا ہے اور وہ شادی کرنے کا استحق رکھتے ہیں حق رکھتے ہیں اور دوسرا وہ جو لڑکا شان میمن تھا وہ بھی اگر جو ہے ان کی دوستی میں یا ان کے ساتھ اٹھنے ان میں تھے تو وہ یہ کوئی حج نہیں ہے یہ بچے ہیں یہ اسکول میں پڑھتے ہیں یہ کالج میں پڑھتے ہیں یہ ایک ڈاکٹر لیول کے لوگ تھے ان کا آپس میں ملنا جلنا ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ قطن کسی طرف یہ اشارہ نہیں کر رہا کہ یہ ان لوگ یہ ان کے وہاں پہ ملوث ہونے کے کوئی امکانات ہو لیکن اگر انتظامیہ یا پولیس یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں تو ان کے ملوث ہونے کے باضابطہ ثبوت اور ان کی جو تحقیقات ہے وہ نہ صرف جو ہے جوڈیشل کمیشن میں دینی چاہیے نہ صرف جوڈیشل کمیشن میں پیش کرنی چاہیے بلکہ پبلکلی اس کو جو ہے پبلش کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کے پاس سے ایسے ثبوت ہم سے ملے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو جو ہے تحویل میں رکھ رہے ہیں لیکن ایسا کوئی پولیس کے سامنے سے ہمیں کردار نظر نہیں آ رہا جن کے لیے یہ ہم کہہ سکیں کہ یہ قانونی طور پر ان کو حراست رکھنے میں کے میں رکھنے میں حق بجانے میں اور لاسٹ سوال میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس وقت تک جو تحقیقات ہوئی ہے اس ذریعے سے حوالے سے آپ پورے کیس کی نظر تو سمجھتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اب آپ دیکھیں سب سے پہلے میں وہی بات دہراؤں گا جو میں پہلے آپ کو عرض کر چکا کہ یہ واقعہ ستمبر 2019 کو ہوا تھا اور اس میں جو سب سے پہلی نگلیجنس ہمیں سامنے نظر آئی جو پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کرائم سین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی نہ صرف کرائم سین کو 2 گھنٹے کے لیے لاورس چھوڑا گیا نہ صرف اس کرائم سین کو سیل نہ کیا گیا نہ صرف وہاں پہ کوئی پولیس کی طرف سے کوئی اپنے بندے مقرر کیے گئے لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ قتل ہوا ہے پولیس آئے گی نہیں آئے گی ایک لاورس بچی لاورس کمرہ کرائم سین لاورس پڑی ہوئی تھی 2-2.5 گھنٹے تک اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس نے جو ہے 1 مہینے کے بعد نمرتا قتل کیس کے پورے 1 مہینے کے بعد فنگر پرنٹ کے لیے نادرا کو لکھا ہے کہ ہمیں فنگر پرنٹ یہ لوگوں کے فنگر پرنٹس ہمیں ملے آپ ان کی ہمیں ویریفیکیشن کر کے دیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک فنگر پرنٹ جو اس وقت تازہ ہوتی ہے اس فنگر پرنٹ کو اگر 1 مہینہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ ڈسٹ میں ویئر اینڈ ٹیئر میں اس کی جو حالت خراب ہو جاتی ہے تو وہ فنگر پرنٹ اس قابل ہی نہیں رہتی کہ نادرا اس کو ویریفائی کر سکے اور وہی ہوا
एक महीना इन्होंने जानबूझ के पुलिस ने अपने पास उस फिंगरप्रिंट को अपने पास छुपाए रखा, उस क्राइम सीन को अपने पास रखा और नादरा को एक महीने के बाद इसलिए भेजा ताकि ये फिंगरप्रिंट किसी के ना आए और किसी ये मामला जो है वो सारा ख़राब हो जाए। और वही हुआ, फिंगरप्रिंट के मामले पे नादरा ने जो इनको लेटर लिखा है वो लेटर लिखा है आई थिंक मेरे ख़्याल में कि उन्होंने जो है आज या कल की तारीख में कोई उनको लेटर भेजा है पुलिस को कि भाई आपने जो फिंगरप्रिंट हमें भेजी है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम वेरीफाई कर सकें, क्योंकि वो बहुत इनलिजिबल किस्म की है जिसमें से नज़र नहीं आ रहा कि ये क्राइम किसने किया है या किसी की फिंगर मैच कर सकें हम। तो ये पुलिस की नहाली समझिए, बिल्कुल 100% मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि इसमें सरासर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और पुलिस ने ये मिल के केस ख़राब करने की जानबूझ के एक कोशिश की है और वो कोशिशें हमें नज़र आ रही है इनके अमल से, इनके एक्शन से, इन्होंने जो अहकाम दिए, इन्होंने जो अंदाज़ इख्तियार किया उनसे नज़र आ रहा है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पुलिस के साथ मिलकर ये साजबाज करके इस केस को लैमिटिक करने की कोशिश कर रही है, इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। आप देखें कि एक महीने तक आपने फिंगरप्रिंट को अपने पास रखा, एक महीने के बाद नादरा को भेजा कि भाई इसके, नादरा ने कहा कि ये इनलिजिबल है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये देखने में नहीं, ये हमारी वेरीफिकेशन में हमारी मशीन इनको ट्रेस नहीं कर पा रही क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो धुंधली किस्म की फिंगरप्रिंट है। तो लिहाजा इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो मैं आप ये देखें कि ये न सिर्फ जो है एक, मैं समझता हूँ कि सिंध की तालीम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है, ये सिर्फ डॉक्टर नम्रता कुमारी के ख़िलाफ़ साजिश नहीं पर सिंध की तालीम के ख़िलाफ़ साजिश है, क्योंकि वो अकवाम और वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो कौमें तरक्की करती हैं जिनकी औरतें आज़ाद हो, जिनकी औरतें पढ़ती हों, जिनकी औरतें आगे हो, वही मुआशरा तरक्की करता है। आप देखें दुनिया के यूरोप में ममालिक में जाएँ, अमरीका में जाएँ, यूके में जाएँ, बरतानिया में जाएँ, हर मुल्क में आप देखें कि औरत जो है एक फर्स्ट पिलर के तौर पे खड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे हमने अपनी औरतों के साथ जो हमने हालत इज़हार की हुई है, अब तो ये हुआ कि वो जब मर्दों से आगे निकलना शुरू हो गए, वो तालीम में आगे निकलना शुरू हुई तो उनके खिलाफ इस तरह की साजिशें, उनके खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज़, उनके खिलाफ कई किस्म के इल्ज़ाम, उनके खिलाफ कई किस्म के मामला ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे मैं समझता हूँ कि ये सिंध की तालीम को जानबूझ के किसी एक कुव्वत की तरफ से ये ख़राब किया जा रहा है। सर, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पे एक ट्रेंड चल रहा है कि जानकार मेडिकल कॉलेज की वीसी डॉक्टर अनिल अता रहमान को भी गिरफ्तार किया जाए ताकि इस केस के हवाले से छानबीन हो सके, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अनिल को गिरफ्तार किया जाए वाकई या नहीं? मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से पूरी दुनिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक जो है वाइस चांसलर जब किसी एक इदारे की होती है तो शी इज़ सोलरी रिस्पॉन्सिबल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको अपनी अपने तौर पे, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे सबसे पहले अपने आप को ख़ुद पेश करना चाहिए कि भाई अगर मेरे ज़ात के मुतल्लिक यहाँ पे मेरी तरफ से कोई निगलिजेंस हुई है मैं अपने आप को पेश कर रही हूँ, खुदा ना खास्ता मुझसे कोई गलती हुई तो मैं पेश कर रही हूँ। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये नम्रता कुमारी अनिला अतार रहमान की अपनी बेटी होती तो वो क्या इस तरह का रवैया अख्तियार करती कि वो जाके उनके वर्षा के पास जाके लोगों से लड़ती, उनको से उनके साथ गालम गलौज करती, उनको थप्पड़ मारती? तो ये इस तरह के मामलात हैं। और डॉक्टर अनिला अता रहमान का ये जज्बातीपना और उसका जो अदम तावन है इस मामले में, हम ये समझ रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया ये कुल्ली तौर पे इस मामले में ये केस इसके ऊपर फिक्स हो रहा है, इसके गले में पड़ रहा है, इसी वजह से ये अपने आप को बचाने के लिए बिला वजह की कोशिशें कर रही है, अपना सोर्सेज इस्तेमाल कर रही है, अपने इस्तेमाल कर रही है और इसको फौरी तौर पे जो है कोर्ट जो है अंडरटेक कर ले, इसको अपनी तावील में ले ले और मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाए। तो सर, मेरा एक सवाल है आपसे जनरली कि हम देखें कि सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो सिंध यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो चांदका मेडिकल कॉलेज की हो, उसमें जो भी वीसीज़ हैं वो इतने पावरफुल हैं, तो जब चाहे वो स्टूडेंट्स पर बगावत के केस दायर कर दें, जब चाहे उनको पुलिस के तसलसल से पिटवा दें, जब चाहे उन्हें निकाल दें, रेस्टिगे कर दें। कल का ही वाक़या है कि सिंध यूनिवर्सिटी में पानी के खिलाफ, पानी लेने के लिए एक प्रोटेस्ट करने के ऊपर 17 स्टूडेंट पे ऊपर बगावत का केस दर्ज किया है ATC का।
जो कि मुल्क की बगावत के खिलाफ उनका एक करियर तबाह किया गया है और वो उस वीसी के सरपंच में हो रहा है जिसके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं। क्या ये वीसी इतने पावरफुल हैं जिनके खिलाफ हम एक प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? आप देखें, कोई भी शख्स किसी भी तरह से कानून से बालादस्त नहीं हो सकता, वो चाहे इदारे का सरबराह हो या इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो, कानून के सामने सबको जवाबदेह होना होता है। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जब इस तरह के लोग इदारों के सरबराह बनते हैं जो किसी भी तरह से तालीमी मामलात पे उनकी कोई एक्सपर्टाइज नहीं होती, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पे उनकी कोई इंतज़ामी अबूर जब इनको हासिल नहीं होता, लेकिन ये सिफारशी कल्चर, ये जो एक माफियाज का रूप धार चुके हैं जो मुख्तलिफ तबकों से मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसों की लेन देन से जब सिफारशें करवा के अपनी पोस्टिंग लगवाते हैं, तो फिर ये आके उन इदारों को इस तरह तबाह करते हैं कि जैसे ये अभी आपने देखा होगा कि पूरे सिंध के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर टिड्डी दल के जिस तरह के वाक़ वो इस तरह आके इन इदारों को तहस नहस और बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई विल नहीं होता, इनके पास कोई सोच नहीं होती, इनके पास कोई आइडियाज़ नहीं होता, ये आइडियल समाज के लोग नहीं होते, ये तो क्योंकि पैसे दे के आए थे, सिफारशें लगवा के आए थे, कमाने के लिए आए थे, तो लिहाजा ये कमाई करके ही जाएँगे, इसी वजह से इन इदारों से इनका कोई लेना देना रहा। मामला बच्चों के हवाले से, तो जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट इनके अपने मुतालबात के तहत इनके सामने जाता है और ये उनको जो है अपने मुखालिफ समझते हुए इनके खिलाफ़ मुख्तलिफ हथगंडे इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ़ केस दाखिल करवाते हैं, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा करते हैं और हरासा करके इनको खामोशी से दबाने की कोशिश करते हैं, जब वो दब जाते हैं ताकि ये आराम से बैठ के वहाँ का नाखुदा बन के उस पूरे इस इदारे को तहस नहस करके ताकि इनसे कोई पूछने वाला ना हो। बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। नाज़रीन, जैसे कि आज आपने खलील अहमद चांदनी साहब की बातें सुनी और देखते हैं क्या होता है, सिंध के मुस्तक़बिल के साथ इंसाफ होता है या ये केस भी दूसरे केसों की नस्बत ऐसे ही किसी ऑफिस के कोने में पड़ा रहेगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अमर मंसूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।